हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज एंड आप सभी लोग का वेलकम है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लकी आरजे में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर दोस्तों आप सभी लोग एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो यानी कि दोस्तों एक सीएससी वेली हो तो दोस्तों आप सभी लोग के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सीएससी के द्वारा बायोमेट्रिक के थ्रू अकाउंट ओपनिंग की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। अब दोस्तों जितने भी सीएससी वेली हैं यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर संचालक वाले हैं, सभी सीएससी वेली बायोमेट्रिक के थ्रू यानी कि फिंगरप्रिंट के थ्रू लोगों का अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ कि सीएससी के माध्यम से बायोमेट्रिक के थ्रू किस प्रकार से आप सभी लोग अकाउंट ओपनिंग करोगे। एक ही बैंक में स्टार्ट किया गया है, एचडीएफसी बैंक में। अगर दोस्तों आप सभी लोग एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो यानी कि सीएससी वेली हो तो एचडीएफसी बैंक में बायोमेट्रिक के थ्रू अकाउंट ओपनिंग किस प्रकार से लोगों का करना है, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों इस कमाल के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ जाना है। डिजिटल सेवा पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आप सभी लोगों को सर्च का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप सभी लोगों को सर्च करना है एचडीएफसी। एचडीएफसी जैसे आप सभी लोग सर्च करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एचडीएफसी बीएफ लॉगिन। आप सभी लोग को एक बार इस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आप सभी लोग के सामने दिए गए हैं, बट दोस्तों आप सभी लोग को अकाउंट ओपनिंग की न्यू ऑप्शन ऐड की गई है सीएससी के द्वारा। अगर आप सभी लोग को दोस्तों वो सर्विस को यूज करना है उसके लिए ऑप्शन दिया गया है अकाउंट ओपनिंग। मेरे डिजिटल सेवा पोर्टल और मेरे सीएससी आईडी में यहाँ पे देख सकते हैं दो अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है एक्सिस बैंक का एंड दूसरा ऑप्शन दिया गया है एचडीएफसी। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक में जितने भी सारे अकाउंट ओपनिंग होते हैं, जितने भी कैटेगरीज की अकाउंट ओपनिंग होती है, वे सारे की लिस्ट यहाँ पे दी गई है जिस भी कैटेगरी का अकाउंट ओपनिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंडिविजुअल सेविंग सैलरी फार्मर अकाउंट ओपनिंग करना है तो मैं एक बार इस पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों इस टाइप से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अकाउंट ओपनिंग करने से पहले कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जिसको दोस्तों आप सभी लोग को फॉलो करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र के वेली हो और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आप सभी लोग एचडीएफसी में सेविंग अकाउंट ओपनिंग कर रहे हो तो दोस्तों कस्टमर को जरूर बता दीजिएगा कि उन लोगों को अपने अकाउंट में या अपने खाते में 2500 रुपए का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप सभी लोग सेमी अर्बन से आते हो तो आप सभी लोग को 5000 रुपए का अपने खाते में या अकाउंट में बैलेंस को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आप सभी लोग अर्बन एरिया से आते हो या मेट्रो एरिया से आते हो यानी कि शहरी क्षेत्र से आते हो तो आप सभी लोगों को कम से कम 10000 रुपए का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपने अकाउंट में यानी कि अपने खाते में। तो ये कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं जिसको मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब दोस्तों आप सभी लोग को यहाँ पे कट कर देना है। आप सभी लोग को अगर इंस्टेंट सेविंग अकाउंट किसी भी कस्टमर का ओपन करवाना है तो सबसे पहले कस्टमर का नेम डालोगे, कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर होगा वो डालोगे, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ डालोगे, कस्टमर का पैन कार्ड नंबर डालोगे एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। ऑप्शन आ चुका है पेपरलेस सेविंग अकाउंट, यानी कि दोस्तों आप सभी लोग को जो भी कागजात है कहीं भी जमा देने की जरूरत नहीं है, फुल्ली दोस्तों पेपरलेस होने वाला है। इंस्टेंट अकाउंट आप सभी लोग कर सकते हो, जिसके लिए ऑप्शन दिया गया है ओपन योर अकाउंट नाउ। आप सभी लोग को एक बार इस पे क्लिक करना है। कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर है वो डालोगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि उन लोगों के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों सीएससी वेली को ये अथॉरिटी दिया गया है कि आप लोग बायोमेट्रिक के थ्रू किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कस्टमर का कोई भी मोबाइल नंबर डालोगे, पैन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पैन कार्ड का नंबर डालोगे, जो भी कैप्चा दिया गया है वो यहाँ पे फिल करोगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। तो जो भी मोबाइल नंबर डालोगे उसमें ओटीपी को सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आप लोग यहाँ पे डालोगे एंड वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। तो आप सभी लोग को यहाँ से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को चूज करना है जिसके माध्यम से आप सभी लोग केवाईसी करोगे। सबसे आसान होता है दोस्तों आधार कार्ड के थ्रू केवाईसी करना। दोस्तों कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप लोग ओटीपी के माध्यम से केवाईसी कर सकते हो। अगर दोस्तों कस्टमर के मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप सभी लोग बायोमेट्रिक ऑप्शन को चूज करोगे एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। कुछ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे आप सभी लोग के सामने शो कर देगी, आप सभी लोग को अग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अग्री के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बेसिकली आप सभी लोग को यहाँ पे आधार के ऑप्शन पे चूज करना है। कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर डालोगे, अगर वर्चुअल आईडी कार्ड नंबर है तो वो डालोगे, अन्यथा ये जरूरी नहीं है। इसके बाद आप डिवाइस के ऑप्शन पे चूज करोगे, आप सभी लोग के डेस्कटॉप पे कंप्यूटर पे कौन सा डिवाइस सेटअप है। फॉर एग्जाम्पल मेरे में मोरफो सेटअप है तो मैं मोरफो के ऑप्शन पे चूज
चूज कर देता हूँ। मोरफो मैंने चूज किया, मेरा जो आरडी सर्विस है उसको फाउंड कर लिया गया है। अब आप सभी लोग को ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी लोग को कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बाद आधार बायोमेट्रिक का ऑप्शन आ चुका है, अब आप सभी लोग को स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिंगरप्रिंट कैप्चर सक्सेसफुली, अब आप सभी लोग को वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप सभी लोग को अपने अकाउंट का ब्रांच को चूज करना होगा या किस टाइप का आप सभी लोग अकाउंट ओपनिंग कर रहे हो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तीन तरह के अकाउंट दिए गए हैं। अगर आप सभी लोग सेविंग फार्मर अकाउंट ओपन करते हो तो आप सभी लोग को इस पे क्लिक करना है। अगर आप सभी लोग सेविंग मिनी फॉर स्मॉल मर्चेंट के लिए अकाउंट ओपनिंग कर रहे हो तो आप सभी लोग को एक बार इस पे क्लिक करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं सेविंग मिनी अकाउंट ओपन कर रहा हूं तो मैं एक बार इस पे क्लिक कर देता हूं। पे ऑप्शन दिया गया है प्रोसीड का, तो आप एक बार प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। बाद यहां पे आप सभी लोग को अपने स्टेट का नेम, जो भी आप सभी लोग के स्टेट का नेम है वो आप सभी लोग को यहाँ पे टाइप कर देना है। तो आप सभी लोग को अपने जो भी सिटी है आप सभी लोग को अपने सिटी का नेम को यहाँ पे टाइप कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइप कर दिया हुआ है। अब आप सभी लोग के सिटी में जो भी ब्रांचेस है वो यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे सिटी में सिर्फ एक ही ब्रांच है तो मैं एक बार इस पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप सभी लोग प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप सभी लोग का जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो आप सभी लोग के सामने शो कर देगा। कुछ बेसिक डिटेल्स आप सभी लोग को फिलअप करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैरिटल स्टेटस, आप मैरिज हो या अनमैरिज हो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप सभी लोग के फादर का जो भी नेम है वो यहाँ पे टाइप करना है। आप सभी लोग के मदर का जो भी नेम है वो आप सभी लोग को यहाँ पे टाइप करना है। आप लोग का पैन कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे शो कर देगा। अब आप सभी लोग को प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी लोग प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे जो भी आप सभी लोग का वीडियो केवाईसी है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि आप सभी लोग को अपने आधार कार्ड साथ ही साथ अपने पैन कार्ड को शो करना पड़ेगा, जिसका प्रोसेस दोस्तों लगभग 3 मिनट का होता है। जो भी अकाउंट का डिटेल्स है वो मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों डैशबोर्ड में भी आप सभी लोग को शो कर देगा। मैंने आप सभी लोग के लिए एक कंप्लीट डिटेल्स बताया है कि सीएससी के माध्यम से बिना बैंक बीसी लिए हुए किस प्रकार से आप सभी लोग बायोमेट्रिक के थ्रू HDFC में अकाउंट ओपनिंग को कर सकते हैं। तो आप सभी लोग के CSC ID में HDFC अकाउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप सभी लोग को IIBF सर्टिफिकेट का एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने के बाद जो भी सर्टिफिकेट आप सभी लोग का जनरेट होता है उस सर्टिफिकेट को आप सभी लोग को अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सेंड करना पड़ेगा। सेंड कर देने के बाद दोस्तों के CSC ID में भी HDFC बैंक का अकाउंट ओपनिंग का जो ऑप्शन है उसको शो कर दिया जाएगा। ये एक पूरा डिटेल्स था कि CSC के माध्यम से HDFC बैंक में अकाउंट ओपनिंग आप सभी लोग किस प्रकार से कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आप लोग को कंप्लीट डिटेल्स बताया है। अगर ये दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोग को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों और एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।